हेलो दोस्तों दोस्तों क्या हाल चाल जी आपका। हमेशा की तरह आज भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेके आया हूँ जी। ठीक है, बातें शाते करेंगे स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, कनाडा पीआर, वर्क परमिट के बारे में बातें शाते करेंगे जी। आपको बताएंगे जी जून के क्या हाल चाल है। बहुत सारे लोगों के इस क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ जी भाई मई में तो हमने बहुत सारी वीडियोज डाली थी जी, भाई जून के बारे में भी कुछ बता दो, लोगों के वीजा आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो गाइस बिल्कुल सही बात है, हमें ये बिल्कुल बताना चाहिए, थोड़ी सी अपडेट्स देनी चाहिए, क्योंकि गाइस हम ऑलमोस्ट रोज लाइव जाते हैं जी। एंड लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी, एंड लोग बताते हैं जी कमेंट सेक्शन में, बताते हैं हमारी पीपीआर आ गई या फिर कुछ, या फिर कोई विजिटर वीजा वाला है या फिर पीआर वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा जी उसके हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, आप लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है, डेफिनेटली आपको आइडिया हो जाएगा भाई आज की डेट में चल क्या रहा है, राइट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, काफी सपोर्ट कर रहे हो जी, प्यार दे रहे हो गाइस, थैंक यू सो मच। और चलो जी बातें स्टार्ट करते हैं। अगेन गाइस इनफॉर्मल डिस्कशन रखेंगे जी, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है भाई पूछ लेना, कोई चक्कर नहीं है जी, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। देखो मैं भी गाइस ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं गाय, कोई ये नहीं है भाई गाड़ियां बना रहा हूँ, या अभी फ्री हुआ था काम से, खाना मैंने पैक करवाया जी, ठीक है खाना भी खाऊंगा वीडियो बना के, तो कोई चक्कर नहीं है भाई, फैमिली है हमारी, कोई चक्कर नहीं जी, ठीक है बड़ी इनफॉर्मल डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, बात स्टार्ट होती है जी स्टडी वीजा की। बहुत सारे लोगों ने गाइस मई में बेनिफिट लिया इस चीज का कि भाई आईआरसीसी वाले धड़ाधड़ वीजा दे रहे थे जी, विद इन प्रोसेसिंग टाइम, इवन नॉट इवन प्रोसेसिंग टाइम, जो कि गाइस आज की डेट में स्टडी वीजा की बात करता हूँ, स्टडी परमिट की बात करता हूँ, 7 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है जी आउटसाइड कैनेडा। बहुत सारे लोगों ने गाइस मई में तो भाई बहुत सारे लोगों ने वीजे लिए, बहुत सारे, मतलब मैं जब भी लाइव जाता था ना तो दो या तीन लोगों के तो होते ही थे भाई, ठीक है हमारी पीपीआर आ गई जी, हमारी पीपीआर आ गई, ठीक है जी। तो वो तो भाई मई का सीन निकल गया, अब भाई जून का क्या हाल चाल है, जून का क्या हाल चाल है। आपको गाइस खुशी होगी ये जान के जून में भी भाई धड़ाधड़ वीजे आ रहे हैं जी, धड़ाधड़ लोगों की पीपीआर आ रही है जी, धड़ाधड़ लोगों का स्टडी परमिट का जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो रहा है जी, ठीक है जी। तो गाइस कोई चक्कर नहीं है, सितंबर इनटेक वाले भाई खिंच लो तैयारी, कोई चक्कर नहीं, होना ही तो अड्डी वारी, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मार्च में लगाई हुई थी उनका भी गाइस रिजल्ट आया है, अप्रैल वालों का भी गाइस रिजल्ट आया, और मई वालों का तो चलो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। सो अच्छी बात है कि पुरानी एप्लीकेशन जो थी भाई वो भी क्लियर हो रही है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग हैं गाइस जिनका मार्च में जिन्होंने मार्च में अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई थी, अब जाके उनका रिजल्ट आया, ठीक है डेफिनेटली गाइस मे बी यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। अप्रैल में गाइस लगाई थी तो अब जाके उनका रिजल्ट आया, तो वो तो विद इन प्रोसेसिंग टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मई में चलो ठीक है जी, उनका तो विद इन प्रोसेसिंग टाइम हो गया। तो गाइस स्टडी वीजा 7 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है जी आज की डेट में, पहले 6 वीक था अब 7 वीक हो गया जी, ठीक है। बट अगर मैं स्टडी वीजा की बात करूंगा, इस अप्रूवल की बात करता हूँ, भाई लोगों के धड़ाधड़ वीजे आ रहे हैं जी। आज कोई कहता है जी मेरी पीपीआर आ गई, कल कोई कहता है मेरी पीपीआर आ गई, क्योंकि हमारे पास तो भाई बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब फैमिली पे, ठीक है जी। लोग अपनी खुशियां शेयर करते हैं, हमें लाइव जाते हैं ना तब भी लोग सर मेरी पीपीआर आ गई जी आज, दे आर सो हैप्पी, उनको अच्छा लगता है, और हमें तो भाई डबल खुशी होती है कि हाँ जी भाई हमारी यूट्यूब फैमिली से कोई था, उसने अप्लाई किया था, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए थे, तो देखो जी करते करते मिलते जुलते चलो जी पीपीआर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है स्टैंपिंग के लिए वो भेजेंगे, स्टैंप लग के आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा, चलो जी डन, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये तो है भाई स्टडी वीजा की अपडेशन की, भाई धड़ाधड़ आ रहे हैं अभी भी वीजा, ठीक है अच्छी बात, मैं तो कहूंगा भाई जून में। और भी अच्छी बात है कि भाई जो पुरानी एप्लीकेशन थी मार्च और अप्रैल की वो भी जून में आ रही है भाई, क्लियर हो रही है धीरे धीरे। सो पेशेंस रखो भाई, मोटिवेशन रखो, ठीक है, एंड थोड़ा सा गाइस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आपको रखनी पड़ेगी कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो सकता है बट हमारा रिजल्ट आएगा डेफिनेटली, ठीक है जी। रब दे भरोसा रखो, अपने आप दे भरोसा रखो गाइस, सारे तोड़े ख्वाब जो है ने वो गाइस पूरे होंगे पक्का, ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं है भाई, स्टे पॉजिटिव। अच्छा जी चलो अगली बात करते हैं भाई वर्क परमिट की।
देखो जी वर्क परमिट के लिए गाइस जो आप अप्लाई कर रहे हो इंडिया आउटसाइड कनाडा की मैं बात करता हूँ, पहले तो हर कंट्री का अलग अलग है। आई थिंक इंडिया का आज की डेट पे कितना है जी, 7 to 8 weeks है राइट। तो उसकी अगर मैं बात करता हूँ गाइस, देखो जी उसके लिए टाइम लग रहा है, अभी भी सेम है, मे में भी गाइस टाइम लग रहा था, अभी भी टाइम लग रहा है। बट हाँ, कुछ लोगों के वीजा मतलब वर्क परमिट गाइस अप्रूव हुए हैं, स्पेशली उन लोगों के जिनका जो ऑक्यूपेशन है वो इसेंशियल में आता है। तो पहला काम आपने क्या करना है जी, अपना पहले चेक करना है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है जिसके अंडर आप वर्क परमिट के फाइल अप्लाई कर रहे हो वो आपका इसेंशियल में आता है नहीं आता। फिर तो गाइस मुझे लगता है बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके अप्रूव होने के, वरना फिर आप थोड़ा बहुत डिले आप एक्स्ट्रा भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो जी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्ड्स। तो इस केस में गाइस अगर तो देखो किस्मत बहुत ही अच्छी निकली फिर तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हाँ नॉर्मली लोगों को वेट करना पड़ रहा है अच्छा खासा। तो वर्क परमिट का तो भाई मुझे लगता है सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क हुआ नहीं है ठीक है। विजिटर वीजा देखो जी, मुझे लगता है विजिटर वीजा का थोड़ा सा कम हुआ है जून की अगर मैं बात करता हूँ। मेरे पास गाइस इतने लोगों के मतलब मैसेज आए थे मई में तो कि भाई हमारा वीजा अप्लाई हो हमारा अप्रूव हो गया जी, अप्रूव हो गया, हम कनाडा आ रहे हैं, ये हो गया मई में। तो मतलब मुझे लगता है भाई गोल्डन एरा चल रहा था मई में, तो बहुत सारे लोगों के भाई इवन अप्रैल में भी बहुत सारे लोगों के गाइस अप्रूव हुए हैं। बट अभी गाइस थोड़े से कम होने स्टार्ट हुए हैं, एंड प्रोसेसिंग टाइम भी गाइस इंडिया की अगर हम बात करूं 32 days हो गया जी, 32 days हो गया इंडिया का। आई थिंक पाकिस्तान का अभी भी ऑफिशियली 13 days चल रहा है जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है। एंड तो गाइस ये चीजें चल रही है। विजिटर वीजा का आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है अगर मैं मई और जून की बात करता हूँ ठीक है। मई में थोड़े ज्यादा आए थे, जून में गाइस उस रेंज में नहीं आ रहे जी, उस पेस से नहीं आ रहे जिस हिसाब से मई में आए थे। तो मैं जून में कहूंगा जी इतने ज्यादा वीजा विजिटर वीजा के इतने अप्रूव नहीं आ रहे, बट स्टिल आ रहे हैं भाई, स्टिल लोगों के भाई वीजा अप्रूव होके आ रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने किस चीज पे फोकस करना है, आपने फोकस करना है हाउ टू मेक योर फाइल मोर इफेक्टिव, हाउ टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस वो ऑथेंटिक होने जरूरी हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने फाइलिंग अच्छे से की हुई है, डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिक है, आपने टाइमली की हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं वो आपने सबमिट कर दिया, तो गाइस मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये आपका काम है, ये आपने करना है तसल्ली के साथ करना है भाई, ये आपने तसल्ली के साथ करना है ठीक है। क्योंकि मैंने इसीलिए गाइस कल भी ये वीडियो डाली थी भाई, एक बार आपने आपने फाइल अपलोड कर दी, लॉन्च कर दी बायोमेट्रिक के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है, उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ वो अलग बात है उन्होंने आपसे कुछ पूछा कि भाई ये सबमिट कर दो, वो एक अलग केस है, बट उसके अलावा गाइस आपने कुछ नहीं करना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, प्रेशर कुकर बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग की दही करने की जरूरत नहीं है गाइस। आराम से बैठो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और स्किल्स लो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, एंड भाई वेट करो, सांस लेते जाओ, वेट करो वेट करो। आई नो गाइस कहना इजी होता है बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, इतना स्ट्रेस मत लो उस चीज का, मेक सेंस राइट। तो गाइज ये मैंने बता दिया जी, बाकी गाइज पीआर की एप्लीकेशन वो देखे ठीक है जी, कि सिर्फ कनाडा एक्सपीरियंस क्लास ऐसा है जी जल्दी आ रही है, अदरवाइज गाइज फिर आपको बताइए वो तो फिर टाइम लंबा ही है जी, चाहे वो पीएनपी है, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री में किसी भी अभी कैडिन एक्सपीरियंस क्लास को छोड़ के, चाहे FSW की बात करते हो, चाहे FSTP की बात करते हो, टाइम लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया चीजें जी अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। बाकी गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है जी आप पूछ सकते हो गाइस, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। बाकी गाइस जिनके भी अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों के वीजा आए हैं गाइस, कांग्रेचुलेशंस, आप डिजर्व करते हो, इंजॉय योर सक्सेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अपने आप को ट्रीट करो, सेलिब्रेट करो अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप डिजर्व करते हो गाइस, इसीलिए आपको वीजा मिला है ठीक है। इसको गाइस गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और गाइस जॉब जूब ना इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लोग बोलने दो यार, कोई चक्कर नहीं है। आप में अगर स्किल्स है, आपका अगर स्किल सेट स्ट्रांग है, आप में वो विल पावर है ना, तो मुझे लगता है भाई कनाडा में जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। ऐसी लोगों को डराया जा रहा है भाई जॉब नहीं कम हुई है यार, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, बट ये कहना कि जॉब्स ही नहीं है भाई, भाई बहुत सारे लोग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने देखा है भाई, अभी उनको जॉब मिली है यार, क्यों टेंशन लेने है यार, बहुत सारी जॉब्स हैं भाई मार्केट में, बहुत सारी जॉब्स हैं, टाइम लग सकता है बट कोई बात नहीं यार, दो हफ्ते 3 हफ्ते के बाद मिल जाएगी, आपकी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लोग भाई धड़ाधड़ रिज्यूमे बना रहे हैं, बांट के आते हैं, उनको यार गाय हफ्ते में मिल जाती है जॉब, बताओ तो आपको क्यों नहीं मिल सकती।
चिल मारो यार, इतना लोगों बोलते हैं बोलने दो, जब कोई बोलता है ना भाई जॉब नहीं है बुरा हाल है क्या ना, ओके ओके, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप अपने आप को गाइस एक बेस्ट वर्जन आपका नहीं लेके आते हो कनाडा में, तो गाइस मुझे लगता है आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपना बेस्ट दो, फिर कुछ नहीं मिलता देन यू कैन से समथिंग, यू कैन क्रिटिसाइज समथिंग एल्स, बट अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर नॉट गिविंग योर 100%, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं गाइस आप में प्रॉब्लम है, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट, मेक सेंस राइट। तो भाई ये चीजें थी जी, चक्की जाओ फट्टे गाइस, दब के रखो काम, ठीक है, जो बोलता है कोई बोल लिया, तो नेगेटिव थॉट्स हमने लेके नहीं आने भाई, लेके नहीं आने, जो बोलता है बोलने दो, कोई चक्कर नहीं है, हमारी लाइफ है जी, हम अपने तरीके से जियेंगे भाई, क्या चक्कर है, आना है जी कनाडा तो आना है, ठीक है, एंड यू कैन स्टिल मेक योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, आप कर सकते हो भाई, आप में वो जज्बा होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटरमिनेशन होनी, मोटिवेशन होनी चाहिए, आप खुद को ही इंस्पायर करो, ठीक है। बाकी गाइस हम बैठे हैं जी, चैनल को सपोर्ट करते रहिए गाइस, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया हुआ, हम ऐसी का डिस्कशन करते रहते हैं अच्छी अच्छी, बाकी गाइस अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन, स्टे सेफ स्टे काम, लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय बाय।